नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंकी की चोट पर जिसे किसी का बाप ना आज तक मैट पाया है ना अब मैट पाएगा ना कभी भविष्य में मिटा पाएगा ना ही किसी की मां ने इतना दूध पिलाया है जो इस सोनू चौधरी की रिपोर्ट इस सोनू चौधरी की खबर को जो है काट दे तो किसान साथियों आलू का माहौल एक तरीके से पूरी तरीके से बदला हुआ है बदले माहौल में आलू किसानों को आलू के अच्छे भाव भी प्राप्त हो रहे हैं ऐसे में ये उन मंदड़ियों के मुंह पर करारा तमाचा है ये उन लुटेरों के मुंह पर करारा तमाचा है और उन हरम गोल लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा है जो किसानों को डरा धमका कर उनकी मेहनत की कमाई को जो है मुफ्त में लूटने का प्रयास कर रहे थे ऐसे में अब बुरी तरीके से ये लोग खिसियाटनी बिल्ली की तरह खम्बा नोच रहे हैं क्योंकि किसान आलू जो है सस्ती तरह पर नहीं दे रहे हैं देखिए मैं आप लोगों को शुरुआत से यही बताता आ रहा था ये 1100 1200 1300 सौ जो रेट हैं ये बहुत कम रेट हैं क्योंकि तीन चार सालों से जो हम किसान जो है घाटा उठा रहे हैं ना उसका तो ये ऊँट के मुँह में जीरा भी नहीं है और किसान साथियों कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं एक गाँव में कहावत होती है कि नाव नाव बाल कितने जजमान सामने आ जाएंगे तो आप सभी इस बात से जानते हैं सर्वविदित भी हैं कि इस बार जो है परसेंटेज ऑफ कोल्ड स्टोरेज और जो है जो प्रोडक्शन ऑफ पटेटो ये पूरी तरीके से यानी कि आलू का उत्पादन और कोल्ड स्टोरेज दोनों ही कम मात्रा में भरे गए थे और आलू की जो शॉर्टेज है वो जो है अब निकल कर सभी के सामने आ रही है खूब कोल्ड मालिक जो दल्ले टाइप के हैं खूब व्यापारी खूब फटुआ खूब जो आलू बेच चुके हैं उन्होंने पूरा दम लगा लिया अपने पिछवाड़े तक के घोड़े खोल लिए कि आ, आलू का ये आलू का वो है आज सभी के सामने हकीकत सामने आ गई वास्तविक रूप से यही बात थी जो मैं आप लोगों को हर पल यही बता रहा था कि आलू की शॉर्टेज पूरे देश भर में है और जब आलू की शॉर्टेज है तो निश्चित तौर पर इसके दाम और ज्यादा बढ़ेंगे खूब अखबार जो आप देखते हो ना कौन सा संदेश है फलाना ढिकाना पता नहीं यार मुझे नाम भी याद नहीं है वो जो है टोटल आड़तियों की बजाता है कोल्ड मालिकों की बजाता है क्योंकि देखिए आप उसमें सबसे ज़्यादा विज्ञापन देखते हैं उसकी कमाई का जरिया ये लोग हैं वो जैसा जैसा ये लोग बताएंगे वैसा ही वो छापेगा क्योंकि कठपुतली बना हुआ है तो जो आ, आलू की अगर देखिए उत्तर प्रदेश में पैदावार गिरी हुई है सभी को पता है गुजरात में पैदावार गिरी हुई थी बंगल बंगल बंगाल में पैदावार गिरी हुई थी बंगाल में तो हालत इस कदर गायब हुए थे कि शुरुआत में ही आलू खराब हुआ था बीच बीच में बारिश होती रही तब खराब हुआ अंतिम दौर में भी जब खुदाई हो रही थी तब बारिश हुई तब भी खराब हुआ अब बंगाल के किसानों की इस समय पर थोड़ी मरहम जरूर ममता लगा रही है यानी ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री वहाँ के किसानों को इस समय पर जो आलू में नुकसान हुआ था उसकी जो है भरपाई कर रही हैं तो ये एक शुभ संकेत भी है देखिए सरकारें कभी भी भरपाई तभी करती हैं जब नुकसान हुआ हो आज पश्चिम बंगाल सरकार जो हमने आप लोगों को बताया था कि बंगाल की सरकार जो है इनकी आर्थिक मदद करे बहुत नुकसान हुआ है आज वो धरातल पर देखने को मिल रही है तो आज इस बात से पूरी तरीके से जो बंगाल के व्यवसायी समितियां बौखलाए है हुए हैं कि किसानों को क्यों मिल रहा है हमें क्यों नहीं मिल रहा है तुम्हारे कर्म ही इस लायक नहीं है क्योंकि तुमने पूरे देश को गुमराह करके रखा था यदि यह सोनू चौधरी अगर तुम्हारे बंगाल में नहीं जाता ना तो तुम बंगाल की सच्चाई को देश के सामने ही नहीं आने देते तुम वही एक कुए की मेढक की तरह देश को बेवकूफ बनाते रहते अब जब हम गए सच्चाई निकाल के लाए और सब पटल पर रखी मुख्य पटल पर तो सरकार भी इस चेती सरकार चेती तो क्योंकि बीच में आचार संहिता लग गई तीन महीने की जो चुनाव में अब जो है सरकार आ, आ, अपने उस पर जो सर्वे कराया था उस पर अब जो है मुआवजा दे रही है और मुआवजा भी छोटा मोटा मुआवजा नहीं मिला जैस का जितना के आलू बर्बाद हुआ चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो सबको एक समान दर से मुआवजा ममता बनर्जी सरकार दे रही है तो निश्चित तौर पर बंगाल की जो फीड जो रिपोर्ट हमने दी थी वो भी आप लोगों के सामने आई बंगाल में भी आलू जो है शॉर्टेज है और बंगाल में जब आलू शॉर्टेज हुआ है तो इस समय पर बंगाल में आलू में आग लगी हुई है आग बढ़िया क्वालिटी का आलू जो है तेईस सौ रुपये से लेकर पच्चीस सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर पर समस्त पूरे बंगाल में जो है बिक रहा है फोल डाला एकदम टॉप क्वालिटी का और गर्द डालू वो जो है उन्नीस सौ रुपये से लेकर इक्कीस सौ प्रति क्विंटल की दर पर बिक रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब पूरी तरीके से व्यवसाय बौखलाए हुए हैं कि ये हो क्या रहा है अब आलू हमारे हाथ से जा रहा है तो आलू हाथ से जाएगा भैया आलू की शॉर्टेज है हरी सब्जियां खत्म हो चुकी अब जब आलू की शॉर्टेज है डिमांड मार्केट में है आलू डिमांड में आ गया तो आलू की खपत बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर उसके दाम बढ़ रहे हैं और जब दाम बढ़ रहे हैं तो तुम्हें बोगलाटो हो रही है यदि आज दो पैसे किसानों को कमाने का मौका मिल रहा है तो तुम्हारी पूरी तरीके से माँ बहने की हो रही है तुम्हारे किस काम के हो तुम लोग जो हैं सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा करने जानते हो ये किसान क्या दौरी दौ पर लगा रहता है सर्दियाँ नहीं देखता है जा जंगली जानवरों को नहीं देखता है विशैले जीव जंतुओं को नहीं देखता है पूरा दिन मेहनत करता है उसके लिए इतना भी नहीं है कि वो जो है सोलह सौ अट्ठारह सौ रुपये प्रति कट्टा के दाम ले ले उस पर जो उसे किसान को मिलना चाहिए वो आप लोग हथिया लेते हो ये बहुत ज़्यादा निंदनीय घोर निंदित रहते हैं किसान साथियों अगर हम बंगाल से छोड़कर अब जो है गुजरात की बात करें तो गुजरात में सबसे पहले पूरे देश में अठारह सौ प्रति कट्टा जो है पार कर गया है आलू जो है तो इससे आप समझ लीजिए क्योंकि सबसे पहले मैंने गुजरात का ही दौरा किया था गुजरात के नाम पर हमारे यहाँ के लोग और वहाँ के लोग जो है बहुत देश को गुमराह करते थे लेकिन जैसे ही हमने आपको वायवाड़ हो वायवाड़ा हो आपका देहगाम हो मेहसाणा हो या आपका कोई भी ऐसा उत्पादक साबरकांठा बनासकांठा दीसा पालनपुर तमाम ऐसे जहाँ जो एरियाज हैं जहाँ पर आलू बहुत आया क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा गुजरात में लगाया जाता है उसकी पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो हमने आपको दिखाई क्योंकि देखिए वहाँ पर सी सी का आलू जाता था राशन का आलू कम था और फिर वहाँ पर जो बरसातें हुई और जो वहाँ पर एक कॉमन स्क्रब नामक बीमारी है उससे जो है किसान पूरी तरीके से टूटा हुआ है तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि गुजरात में जो है जो प्रोडक्शन जो है काफी गिरा हुआ है और कोल्ड स्टोरेज साठ प्रतिशत से ऊपर नहीं भर जाएंगे तो यही रिपोर्ट निकली अब ऐसे में पंजाबियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया पंजाबी तो सब आप लोगों को पता है क्योंकि टोटल हाइब्रिड जितनी भी प्रजातियाँ जितनी भी नस्लें नए नए क्लोन तैयार किए जाते हैं वो सिर्फ पंजाब में ही होते हैं उन लोगों ने भर दिया कोल्ड वहाँ पे बीज ले जाएगा जा जा कोलम्बा हो या कोई सा भी वैरायटी हो क्योंकि सितंबर में बीज जाता था तो वो जो है सड़ता था उन्होंने मार्च में एक बोकर दिया तो ऐसे कोल्ड लोड हो गई तो आप इससे समझ लीजिए कि गुजरात की जो रिपोर्ट आ रही है वो एकदम एक्चुअल और जनरेट रिपोर्ट आ रही है चाहे क्यों कोई भी डाल रहा सही मैं एक किसी जो की जो कि वहाँ के एसोसिएशन है उनका कब कतई नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो जो हैं एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट डाल रहे हैं कि राशन आलू की शॉल्टेज है अब देखिए हमारे आगरा से भी वहाँ पर गुजरात में आलू जा रहा है और गुजरात का खुद का बिक रहा है तो निश्चित तौर पर हर जगह आलू में आग लगी हुई है और आग लगी हुई है तो आग इससे ज़्यादा और कहाँ लगी रही? मंदड़ियों दलाल और जो लुटेरे टाइप के लोग हैं कोल्ड मालिक हैं उनके सीने में लगी हुई है भाई ये क्या हो रहा है इनकी हाय अगर किसान को आज चार पैसे कमाने का मौका मिल रहा है ना तो ये बुरी तरीके से खिसे आए हुए हैं बौखलाए हुए हैं रास्ते में रोकते हैं फ़ोन करते हैं कि किसानों को तेज़ी में मत देखो किसान को ये मत देखो इनकी बातों को सिरे से नकार देता हूँ किसान साथियों आज मैं आप लोगों को एक प्रूफ के तौर पर दिखाऊँगा कि जो लोग कहते थे कि लाल ला आलू कतई नहीं बिक सकता तेरह सौ रुपये प्रति कट्टा आज सादाबाद के सहपोक के कोल्ड स्टोरेज में ला लाल आलू जो है बारह और जो है फिर उसके बाद में व्यापारी से बातचीत करने के बाद में तेरह सौ रुपये प्रति कट्टा में बिका तो निश्चित तौर पर ला लाल आलू में भी तेजी जो है देखी जा रही है तो अब तेजी बनेगी तो हर किसान को मिलेगी देखिए कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा हमारा तो सीधा सा सिद्धांत है इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि फिर आप लोग जो है ला लाल आलू के बारे में कतई नहीं पूछेंगे हमारे यहाँ लाल आलू भी तेरह सौ रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है बोली देखिए दस रुपया ग्यारह सौ दस पंद्रह इक्कीस इक्कीस रुपया छत्तीस इक्यानवे छिहत्तर अस्सी छियासी नब्बे इक्ारवे ग्यारह सौ ग्यारहवे बारवे इक्यानवे बारह सौ बारह सौ ग्यारह पंद्रह सोलह सोलह बीस इक्कीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तेईस तैतीस पचास इक्यावन इक्यावन सात सत्तर इकहत्तर पचहत्तर छिहत्तर बोली देखने के बाद में आप जो है पूरी तरीके से आप जो है आश्वस्त हो गए होंगे कि आलू चाहे वो सैंतीस सताना हो चिप्सोना हो सूर्या हो या ये लाल ला आलू लाल ला आलू में तमाम आ जाते हैं जब ये इतने रुपए पर बिक रहा है तेरह सौ रुपये प्रति घट्टा पे तो और आलूओं का राजेंद्र वन है जी फोर है जो प्रयागराज में बिकता है तो उसके भी रेट जो हैं बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हर किसान को हर उस व्यक्ति को इस आलू में डबल नहीं ट्रिपल नहीं चार गुना फायदा मिलेगा अब किसान साथियों कैसे मिलेगा अभी आप ये पूछ रहे हैं देखिए अभी आप इतने भोले मत बनिए अस्सी से पिचासी प्रतिशत किसान जो है सब्जियों की फसल लगाते थे दक्षिण भारत में सब्जियों की फसल रैमल चक्रवाती तूफान ने बर्बाद की और अब नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर ये बंगाल है बिहार का थोड़ा पार्ट है और जो नॉर्थ ईस्ट के वो हैं वहाँ पर जो है हरी सब्जियाँ बिल्कुल खत्म हो गई क्योंकि वहाँ पर जो सब्जियाँ लगी हुई थी वो भारी बारिश की भेंट जो है चढ़ गई तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट में भी गुवाहाटी हो या जो है अन्य मणिपुर त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश हो यहाँ पर भी सभी लोगों की निर्भरता जो है आगरा के आलू पर बढ़ गई है बंगाल के आलू पर भी बढ़ गई है तो यहाँ पर आलू जो है तीस बत्तीस रुपए किलो तक की थोक दर पर बिक रहे हैं तो इससे आलू किसानों में और ज़्यादा उत्साह जो है देखा जा रहा है अब उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में तो सभी आप लोग जो हैं जितनी मेरी वीडियो देखते हैं सब उत्तर भारतीय हैं बहुत कम लोग जो हैं साउथ के देखते हैं बहुत कम लोग जो हैं बंगाल के देखते हैं बंगाल के तो देखें ही ना तो वही बहुत है क्योंकि बंगाल के लोग तो मेरे लिए किसी भी काबिल नहीं है कि मैं उनके लिए कोई वीडियो बनाऊं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ व्यापारियों का कल्याण देखा जाता है व्यापारी किस तरीके से बने क्योंकि देखिए बीज पे भी ये मुनाफा कमाते हैं बीज देते समय और बी और जो है आलू खरीदते समय भी ये मुनाफा कमाते हैं लेकिन मारा जाता है हमारा बेचारा किसान और हम जो वर्क करते हैं सिर्फ किसान के हित के लिए करते हैं ना कि किसी और के लिए किसान साथियों अब मैं आप लोगों को एक नई जानकारी प्रदान कर देता हूँ क्योंकि देखिए तो ये तो सब्जियों की फसल तो भैया बर्बाद उत्तर भारत में भीषण गर्मी की वजह से हो ही गई है और हो चुकी अभी जो हरी सब्जियां जहां पर हम पाँच या दस रुपए किलो तक खरीदते थे वही आज किसान साथियों पचास रुपए किलो की दर पर बिक रही हैं अब इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि आलू कहां पर जा रुकेगा और दक्षिण पश्चिमी मानसून बहुत जल्द देश में दस्तक देने वाला है भारतीय मौसम विभाग और जितने भी आई सी जी एस एफ डब्ल्यू जी एस एफ और तमाम जितने भी मॉडल हैं वो भी जो है चौबीस तारीख से बरसात दिखाना शुरू कर दिए हैं। निश्चित तौर पर गर्मी अभी दो दिन और सताएगी, लेकिन इस गर्मी ने हरी सब्जियों को और हरी सब्जी उत्पादक किसानों को कहीं का नहीं जुड़ा वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। आज मैंने एक खेत में जाके किसानों की वेदना जानी क्योंकि देखिए मुझे रिपोर्ट बनानी पड़ती है अमर उजाला दैनिक जागरण हिंदुस्तान के लिए आर्टिकल लिखने पड़ते हैं कि क्या स्थिति है मैं जब ग्राउंड पे गया तो मैंने देखा कि किसान वास्तविक रूप से टूटा हुआ है जो लौकी जो एक एक बीघा में दस दस पैकेट तक उतरती थी आज उसमें से एक पैकेट भी नहीं निकाला और किसान साथियों इस गर्मी ने दिल्ली के आजादपुर मंडी के जितने भी आड़ती हैं सब्जी के वो सब जो है खंदौली और खंदौली के आसपास डोल रहे हैं कैसे भी सब्जी मिले कैसे भी करेला मिले भंडी मिले तोरई मिले लौकी मिले काशी फल मिले तमाम बैंगन मिले तमाम वो सब्जियां मिले लेकिन हों तब ना उत्पादन निकल रहा हो तब ना एक एक पेड़ पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो किसान मजबूरी में मजबूरी बन गई खेत रेंट पे लिया था अब वो जो है उसमें से रेंट भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं बहुत बड़ी दिक्कत हमारे किसानों के सामने आ रही है अगर ये बरसात समय से हो जाती तो थोड़ा बहुत जो है देख रहे थे कि हरी सब्जियाँ और हों तो किसानों हरी के, जो सब्जी किसान है उनको भी फायदा हो लेकिन अब नहीं हो रही है तो उसमें किसी का बस भी नहीं है लेकिन इससे आलू के रेटों को और ज़्यादा तेज़ी बढ़ने की पूरी संभावना है किसान साथियों आज मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं देखिए मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं कि आलू शुरुआत में मैंने वीडियो स्टार्ट करते बताया कि आलू जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा एक नया इतिहास लेकेगा जो आज तक के दौर में कभी किसी सब्जी ने नहीं, नहीं लिखा अब लिख देगा किसी ने नहीं सोचा होगा कि आलू जो है सोलह सौ सो रुपए प्रति कट्टा पार बिकेगा लेकिन सोनू चौधरी ने आपको फरवरी माह में खुदाई के समय से पहले ही बता दिया था कि आलू सो प्रति कट्टा बिकेगा किसी का बाप नहीं रोक सकता है और आज आलू सोलह सौ चालीस पहुंच गया है और किसान साथियों सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कई पर्चियां तो ऐसी डाल रहे थे कि साठ दिन के पेमेंट पे कोई पैंतालीस दिन के पेमेंट पे लेकिन आज जिस कोल्ड स्टोरेज में आलू सोलह सौ चालीस रुपए प्रति कट्टा बिका है ना किसान साथियों वो जो है भगवान कृष्ण के नाम यानी कि द्वारिकाधीश कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड और किसान साथियों ये छोटा मोटा व्यापार नहीं है बहुत बड़े स्तर पर जो है इनके कोल्ड स्टोर में आलू जो है साउथ के लिए लोडिंग होती है एहतमदपुर में ये कोल्ड स्टोर है और किसान साथियों रणवीर चौधरी किसान हैं डोरीलाल इनके पिताजी का नाम है गांव पास में कोई पड़ता होगा लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है लेकिन देखिए लॉट नंबर देख लीजिए पूरा आप साइड में देख रहे हैं सोलह सौ इक्यानवे सोलह सौ इकतीस बारह सौ सतानवे तेरह सौ पचहत्तर और दो सौ इक्कीस अब देखिए पैकेटों की संख्या देख लीजिए कई कहते हैं कि एक दो मतलब सौ डेढ़ सौ कट्टा ले ले होंगे बातें वो बॉस अब व्यापारी है बॉस नहीं बन रहा तुम जैसे गधों को तुम जैसे नालायकों को तुम जैसे किसान विरोधी लोगों को तुम जैसे दलों को तुम जैसे लुटेरों को आईना दिखाने का और तुम्हारे मुंह को लाल करने वाला ये व्यापारी है तेरह सौ तेरह कट्टे चार सौ इक्यावन कट्टे तीन सौ कट्टे एक सौ चौंतीस कट्टे और साठ कट्टे किसान ने आज अपना पूरा आलू जो है बेच दिया लेकिन जब दाम अच्छे मिलेंगे तो कौन नहीं निकालना चाहेगा अब तुम लोगों ने तो कसम खा रखी है कि किसानों को बर्बाद करना है और हमें उस पर मुनाफा कमाना है सस्ती दरों पर आलू खरीदना है और फिर दूसरों पर आरोप लगाना है अरे आज अगर देखिए सोलह सौ प्रति कट्टा बिका है पच्चीस दिन का पेमेंट है तो किसानों ने खुशी खुशी अपना आलू बेचा है क्यों नहीं बेचेंगे किसान जो उन्हें अच्छा दाम मिलेगा तो क्यों नहीं बेचेंगे लेकिन आपकी मानसिकता बहुत ज़्यादा दूषित है कोल्ड मालिक से। सभी की मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई कोल्ड मालिक तो आलू का खुद व्यापार करते हैं वो तो उनसे भी ज़्यादा एक केस हैं मैं जहाँ पर जाता हूँ ना वहाँ पर मुझे यही देखने और सुनने को मिलता है सोनू किसानों के अंदर घबराहट और ये दिखाओ किसानों को तेज़ी मत ले जाओ और निश्चित तौर पर मई कई लोग किसान कोल्ड मालिकों से झड़प भी हो जाती है फिर आखिर में क्या होता है मैंने खामा खा इनसे क्यों मखज मारी मारा जाए कि जी ये तो हैं सुधरने का नाम तो लेंगे नहीं लेकिन हम इनसे क्यों बहस करें हम सिर्फ किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो किसानों का ही हमें फ़ायदा देखना चाहिए किसान साथियों दूसरी पर्ची मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ ये पर्ची है गुल्ला आलू की गुल्ला आलू जो है आज ग्यारह रुपए से लेकर ग्यारह रुपए प्रति कट्टा में बिके हैं ग्यारह किसान साहब तो ग्यारह सौ इकतीस प्रति कट्टा में जो बिके हैं वो तेहरा के प्रधान है उनका ये आलू जो है बिका है यानी कि विवेक शर्मा जी का ये आलू बिका है इससे और इन्होंने भी अपना टोटल गुल्ला जो है आज जो है बेच दिया तो भाई गुल्ला आलू में भी आज तेजी है अब तुम लगवाओगे उस आलू के नौ सौ हज़ार ग्यारह सौ तो कौन बेच देगा वो तो किसान रखे, रखे ही रहेंगे अरे कम से कम आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये क्या? कौन से व्यापारी हैं जो कि इस रेट पर आलू खरीद रहे हैं और हमारे कोल्ड में ऐसे व्यापारी क्यों नहीं हैं लेकिन आप करेंगे क्यों नहीं आपको तो सिर्फ मोटा कमीशन चाहिए व्यापारियों से उनसे कमीशन लेते हो तो आप नहीं कता भी नहीं चाहोगे कि जो है कोई बाहर का व्यापारी आए और कई जगह तो हमने देखा जो बाहर का व्यापारी आता है ना उससे तो कोल्ड के जो दल्ले टाइप के व्यापारी हैं जो आ, उसी में लगे रहते हैं गिलमिल गिलमिल करते रहते हैं वो उसको टिकने नहीं, नहीं देते क्योंकि वो तेज रेट पर खरीदता है और इनकी औकात नहीं है कि वो तेज रेट पर खरीद लें तो यहाँ पर भी एक ऐसी स्थितियाँ जो है देखने को मिलती हैं किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए मंडी भावों की तो देखिए मंडी भाव में आपको शुरुआत लोकल मंडी से कर देता हूं लोकल मंडी जो कि जयपुर मंडी है जयपुर मंडी में आज जो है तेईस रुपये किलो से लेकर पच्चीस रुपये किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं अब किसान साथियों साउथ मंडियों में चले साउथ मंडियों में इस समय पर आलू में भयंकर आग लगी हुई है आलू में जो थोक भाव है वो अड़तीस रुपये किलो से लेकर बढ़िया क्वालिटी का बयालीस रुपये किलो तक तिरछी मदुरई गुंटूर और जो है कोई मटूर मंडी में चला है अगर यहाँ पर छह रुपए का खर्चा काट लें देखिए कई बार ऐसा ऐसा होता है कि आप लोग जो है पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं कई यूट्यूबर जो हैं आप लोगों को भ्रमित कर देते हैं देखिए वो भ्रमित किस किसलिए करते हैं या तो उन्हें जानकारी नहीं होगी या फिर जो है वो कोल्ड मालिक और जो है व्यापारियों का हित और आरतीयों का हित देखते होंगे यानी कि सबको साधने का काम करते होंगे लेकिन मुझे इन लोगों को साधने का मतलब नहीं है मैं तो सिर्फ अपने किसानों को ही साधता रहूंगा इन्हें जब तक साधूंगा जब तक इनका आलू दो हज़ार प्रति कट्टा ना बिक जाए किसान साथियों ऐसा जैसे कि अभी बयालीस रुपए किलो तक आलू बिका है बयालीस रुपए किलो में से छः रुपए किलो का भाड़ा अगर कम कर दें आप जो है तो छत्तीस रुपए किलो के दाम वापस आएंगे अब छत्तीस रुपये किलो के दाम वापस आएंगे तो वो आरती जो है वो अपना खर्चा काट के छत्तीस रुपये किलो का रेट डाल देते हैं अब अड़तीस रुपये किलो तक आलू बिक रहा है तो उसमें से छः रुपये कम करोगे भाड़े का तो बत्तीस होगा तो ये यूट्यूबर क्या दिखा देते हैं बत्तीस रुपये किलो से लेकर छत्तीस रुपये किलो तक आलू बिका है ये नहीं बता रहे कि आलू में खर्चा काट के ये वापस आ रहे हैं न कि इस रेट पर आलू बिक रहा है लेकिन इस यहाँ पर किसान बहुत ज्यादा उसमें आ जाते हैं कि ये सही बता रहा हुआ देखिए कोई सही बताए या ना बताए लेकिन सोनू चौधरी आपको स्पष्ट रूप से बताई दे रहा है कि यहाँ पर ये स्थितियाँ ये परिस्थितियां हैं कि कई यूट्यूबर इस चीज को छुपा जाते हैं व्यापारी आड़ती और कोल्ड मालिक हित में जो कि ऐसा काम इन लोगों को नहीं करना चाहिए या सीधा सीधा बता दो साउथ की मंडियों में आग लगी हुई है बयालीस रुपये किलो तक आलू बिक रहा है छः रुपये किलो का उसमें भाड़ा लगता है तो किसान साथियों वो भाड़ा काट के छत्तीस रुपये किलो है बढ़िया क्वालिटी का और अगर जो अड़तीस रुपये किलो तक हल्की क्वालिटी में बिका है उसे छः रुपये किलो का भाड़ा कम का, काट दिया है तो वो बत्तीस रुपये किलो है यानी कि बत्तीस रुपये किलो से लेकर छत्तीस रुपये किलो तक के आपको दाम मिल रहे हैं सब कुछ काट पीट के तो ये तो एक जेनरिक बात हुई है किसानों के हित में लेकिन ये क्या कोल्ड मालिक को व्यापारी और आड़तियों के हित में इस तरीके के वीडियो के माध्यम से बताना और और किसानों के अंदर एक जो है घबराहट जो है पैदा करना किसान साथियों बात करेंगे बैंगलौर मंडी की तो बेंगलौर मंडी में आज ईद के उपलक्ष्य में छुट्टी ज़रूर रही है लेकिन साइड मंडियों में आलू जो है पंद्रह सौ रुपये और से लेकर साढ़े अठारह सौ रुपये में आज जो है वहाँ पर जो है बिक्री खर्चा काट के हुआ है तो निश्चित तौर पर आलू में और अभी जो है तेजी की असीम संभावना है तेजी आलू जो है और ज्यादा तेज बिकेगा जिससे किसी हर किसी व्यक्ति को फायदा होगा लेकिन अगर नहीं होगा तो वो उस उस व्यक्ति को होगा जो हमारी बातों को नहीं मान रहा है तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि आलू की स्थितियां परिस्थितियां क्या है आप लोग पूरी तरीके से मैंने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया है और आशा है आप सभी लोग जो हैं आलू के अच्छे से अच्छे भाव जी प्राप्त कर लेंगे इसके साथ ही किसान साथी दिल्ली के आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो दिल्ली के आजादपुर मंडी में भी आज जो है ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन सौ रुपए प्रति कट्टा का जो है सुधार है अब देखिए सुधार मंडियों में आ रहा है तो उससे कुछ लोगों को खिसियाट होती है आज सैंतीस सतानवे दिल्ली की मंडी में जो है एक हजार पचास से लेकर ग्यारह प्रति पचास के जी में बिक गए हैं चिप्सौना आलू भी आज ग्यारह सौ पचास से लेकर बारह सौ पचास तेरह सौ रुपये प्रति पचास के जी सूर्य आलू चौदह सौ रुपये से लेकर साढ़े चौदह सौ पंद्रह सौ रुपये प्रति पचास के जी टी सेवन टी नाइन जो है एक हज़ार पचास से लेकर ग्यारह सौ हल्द्वानी आलू जो है सोलह सौ रुपये से लेकर उन्नीस सौ रुपये प्रति पचास के जी में डायमंड आलू तेरह सौ रुपये से लेकर साढ़े तेरह पौने चौदह सौ रुपये प्रति उसमें बिके हैं जबकि हाइब्रिड आलू वही साढ़े आठ सौ साढ़े नौ सौ के आसपास चल रहे हैं तो हाइब्रिड आलू में भी यहाँ तेजी की संभावना नजर आ रही है मेटियापालम मंडी की बात करेंगे तो मेट्यापालम मंडी में आगरा के आलू आज जो है साढ़े सत्रह सौ रुपये से लेकर साढ़े अठारह सौ उन्नीस सौ रुपये प्रति पैंतालीस के जी की दर पर किसान साथियों बिके हैं बात करें अभी आप लोगों के लिए ये तो सब मैंने आप लोगों को बता ही दिया कोई मटूर वगैरह मंडी जो है महबूबनगर और तेलंगा महबूबनगर की बात करेंगे तो आज यहाँ पर खर्चा काट के बत्तीस रुपये किलो तक के दाम जो है आप किसानों को हाइब्रिड के मिल रहे हैं पूना मंडी में भी आज जो है पच्चीस रुपये किलो से लेकर अट्ठाईस रुपये किलो तक के भाव में आलू बिके हैं और सभी जगह पर आज तेजी है श्रीरामपुर जो कि महाराष्ट्र की मंडी है यहाँ पर आ, तीस रुपये किलो से लेकर बत्तीस रुपये किलो तक आलू बिके हैं किसान साथियों आने वाले दिनों में मौसम एक एक करवट लेगा दो चार दिन की गर्मी हो रहा है और इससे देखिए फसल तो बर्बाद गई हरी सब्जियों की अब तो हरी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं तो लोगों की निर्भरता आलू पर बढ़ रही है क्योंकि हरी सब्ज़ी पचास रुपये किलो आलू तीस रुपये किलो मिला है हालांकि उसके मुकाबले जो कहते थे कि प्याज और आलू पर सरकार नियंत्रण कर लेगी या कर लेगी वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है हालांकि प्याज के बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक साथ जो है छः दिन में ही छलांग लगाया जाएगा बीस रुपये किलो तक तो बिकने वाला प्याज आज जो है पचास पचपन रुपए की किलो की दर पर बिक रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान आलू की तरफ नहीं है क्योंकि सरकार भी आलू किसानों के हित में अच्छा काम कर रही है और निश्चित तौर पर हर आलू किसान को इस वर्ष जो है फ़ायदा होगा पंजाब के बारे में मैं आप लोगों को खुल के बता दूं पंजाब के किसान साथी सभी जो है मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कई लोग जो हैं मंदे में बैठे रहते हैं तो कई लोग जो हैं तेजी में हैं तो निश्चित तौर पर जो तेजी में बैठे हुए हैं वो मंदड़ियों पर पूरी तरीके से हावी हो जाएंगे एक अनुमान के मुताबिक पंजाब में भी आलू जो है बारह सौ तेरह सौ रुपये या ऊपर भी बिक सकता है साथ ही एक किसान से हमारी जो बात हुई थी उसके उनके अनुसार जो जो मानसून है वो जो है लेट तक चलेगा सेप्टेम्बर तक चलेगा तो ऐसे में ऊना होशियारपुर जो फसलें लगती हैं तो वो जो है दिन नवंबर नवम्बर में जो आती थी वो दीपावली के आसपास वो जो है दिसंबर में आएंगे तो निश्चित तौर पर अब नवंबर तक तो कोई घबराने वाली बात है नहीं नवंबर तक तो आलू चाहिए ही चाहिए और आलू की शॉर्टेज है किसान साथियों आप सभी को पता है कि अब साउथ में कोई भी फसल नहीं है तो बार बार इस पर जो है बातचीत करना भी व्यर्थ की बातें हैं तो ऐसे में आप सभी लोगों को आलू के अच्छे 1800 या 2000 रुपए प्रति कट्टा आपका आलू बिके यही हम कामना करते हैं और यही हमारा प्रयास रहेगा कि हर किसान को इसके दाम मिले फिलहाल अब जो है सोलह सौ चालीस रुपये प्रति कट्टा के आगरा में सौदे हो रहे हैं वो भी प्रेजेंट वाले सौदे न कि एडवांस वाले सौदे तो इससे आप समझ लीजिए कि आलू में तेजी की असीम संभावनाएं के द्वार खुले हुए हैं और तेजी हर किसान को मिलेगी लेकिन संयम बरतिए घबराहट में आकर कोई भी कदम मत उठाइए जो आपने गलती किया उसे दोबारा मत दोहराइए आलू आपका अच्छे रेटों पर ही बिकेगा